एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग विद पूनम डीआईवाई हैक्स। फ्रेंड्स, आज की जो अनबॉक्सिंग और रिव्यूज होंगे वो होंगे पैक ऑफ 5 मिल्क पॉट। आज मैं शेयर करूंगी इस बॉक्स को और इस बॉक्स के अंदर कुछ स्पेशल है। ये बॉक्स मैंने अमेजन से परचेज किया है और इस बॉक्स के अंदर क्या है वो चलिए देख लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर मैंने मिल्क पॉट मंगाए हैं जो कि पैक ऑफ 5 है। इसे मैंने पहले ओपन कर लिया है क्योंकि ओपन करने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं इसकी जो ऊपर की टेप होती है उसे निकाल चुकी होती हूँ। तो चलिए इसमें से मैजिक निकालते हैं। सबसे पहले निकलेगा ये वाला पॉट, और ये पॉट है, ये देखिए, है ना, बड़ा क्यूट सा पॉट। ये मिल्क पॉट है, आप इसमें दूध को गर्म कर सकते हैं, लेकिन इसका ये जो बेस है बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, तो मैं कह नहीं सकती कि ये प्रॉपर आपके दूध को बॉईल करने के काम आएगा कि नहीं, लेकिन ओवरऑल ये अच्छी क्वालिटी की स्टील है। नीचे थिक है लेकिन इतना थिक नहीं है जितना कि आपका पतीला होता है, और मुझे ना इनका ये इस टाइप के जो वर्टिकल शेप है ना बड़ी पसंद आई है। आप आराम से इसमें दूध डाल दीजिए और अपने फ्रिज में स्टोर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता, क्योंकि जिस पतीले में हम दूध गर्म करते हैं वो काफ़ी बड़ा होता है, और उसी को उठा के जब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो काफ़ी स्पेस घेर लेता है। तो इस हिसाब से अगर आप इसमें दूध डाल के रखेंगे तो ये बहुत कम स्पेस लेने वाला है। इसका जो डायमीटर है ये है 10 सेंटीमीटर, और ये जो कैपेसिटी है 880 ml है, तो आपका 1 लीटर से थोड़ा सा दूध कम इसमें अच्छा सा आ जाएगा। और सेकंड मैं दिखाती हूँ आपको, सेकंड मैजिक है ये। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1200 ml। इसका जो डायमीटर है वो है 11 सेंटीमीटर। ये डायमीटर ये वाला होता है जो इसका ये मुंह होता है, तो इसमें भी 1 लीटर 200 ml मिल्क आ जाएगा। क्योंकि अभी मैंने इनको यूज़ नहीं किया तो मैं आपको बता नहीं सकती कि इसमें प्रॉपर हम मिल्क को बॉइल कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन हो जाएगा जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग रहा है। तो ये सेकेंड हो गया, और अब थर्ड है, ये है थर्ड मिल्क पॉट, और इसका जो डायमीटर है वो है 12 सेंटीमीटर। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1600 ml। इट मीन्स कि 1 लीटर 600 ml दूध इसके अंदर आ जाएगा, 1.5 लीटर से थोड़ा सा और ज़्यादा। और इसकी जो स्टील क्वालिटी है मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि इसके जो एजेस है ना ये वाले बिल्कुल शार्प नहीं है, वरना अगर आप बर्तन की दुकान पे जाओगे ना तो कुछ बर्तन के जो एजेस होते हैं ना काफ़ी शार्प होते हैं, बिल्कुल नहीं है, काफ़ी स्मूथ इसके एजेस हैं। और ये देखिए, मैं आपको और दिखा देती हूँ। तो ये थर्ड हो गया, और अब ये है फोर्थ। इसका जो डायमीटर है ये है 13 सेंटीमीटर, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 220 ml। इट मीन्स कि इसमें 2 लीटर 200 ml दूध आ जाएगा, और इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। आप आराम से 2 लीटर दूध इसमें गर्म कर सकते हैं और रख सकते हैं। गर्म करने के पर्पज़ से इसका जो बॉटम है मुझे एवरेज लग रहा है, क्योंकि इन मिल्क पॉट के जो बॉटम है वो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लग रहे हैं जैसा पतीले में होता है। इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें दूध हम गर्म प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप नॉर्मल गर्म कर सकते हैं, लेकिन बॉयल कितना हो पाएगा इसका कोई आइडिया नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये तो मैं बॉयल करने के बाद ही आपको बताऊंगी कि इसके अंदर हम दूध को कितनी देर तक बॉयल कर सकते हैं। और फिफ्थ है ये वाला, तो निकलने में भी परेशानी हो रही है। और फिफ्थ है ये वाला, इसका जो डायमीटर है वो भी 13 सेंटीमीटर है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 2800 ml। इट मीन्स कि इसमें 2 लीटर 800 ml दूध आ जाएगा, और ये काफ़ी बड़ा है। आप आराम से इसमें 2.5 लीटर दूध रख सकते हैं या 2.75 लीटर दूध रख सकते हैं, और गरम भी कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आप गरम कर पाएंगे इसके अंदर। आप इसे मल्टीपल पर्पज़ से भी यूज कर सकते हैं कि आप इसमें कोई भी चीज़ रख सकते हैं, जैसे जितनी भी लिक्विडी चीज़ होती है आप रख सकते हैं। और इनका जो वर्टिकल साइज़ है ना ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी पर्पज़ से मैंने इनको परचेज़ किया है, क्योंकि मेरा दूध पतीले में गर्म हो जाता है, लेकिन जब उस पतीले को मैं फ्रिज में रखती हूँ तो वो मेरा काफ़ी स्पेस ले लेता है। अगर मैं उस मिल्क को इसमें डाल के रखूँगी या इन चारों में डाल के रखूँगी तो मेरा जो फ्रिज का स्पेस है काफ़ी बच जाएगा। मेरे फ्रिज में कम से कम 2 या 3 पतीले दूध के रहते हैं, तो उससे क्या होता है तो मेरा फ्रिज का जो स्पेस है वो पतीले कवर कर लेते हैं, बहुत कम स्पेस बचता है बाकी चीज़ों के लिए।
अगर मैं इन पतीलों में वो दूध डाल दूँगी, जैसे एक पतीले का दूध खाली हुआ तो थोड़ा सा बचा वो इसमें डाल दो, अगर आपका करंट दूध है ज़्यादा है तो वो इसमें या इसमें, अकॉर्डिंग कि आपका दूध कितना है, एक लीटर, डेढ़ लीटर, आधा लीटर, वो इसके हिसाब से इसमें आ जाएगा। और आपके फ्रिज में स्टोर करने के लिए सबसे अच्छे पॉट है, और आप निकालिए और इनको गर्म कर लीजिए। आसानी से गर्म भी हो जाएगा आपकी गैस पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली गरम करने में। हाँ, बस इसको बॉईल करने में मैं थोड़ी सी डाउट हूँ कि अगर दूध मैं बॉईल करना चाहूँ, जैसे मैं डेढ़ या दो लीटर दूध लेती हूँ, वो बॉईल हो जाएगा कि नहीं, इसके बॉटम पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, वो मुझे चेक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तो मैं उस बारे में कोई बात नहीं कर सकती कि ये प्रॉपर बॉयलिंग के लिए काम आएंगे कि नहीं, लेकिन ये स्टोरेज के लिए बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको इनका प्राइस बताना भूल गई, इनका जो प्राइस है वो है 650 रुपीज़। तो 650 रुपीज़ में आपको ये 5 मिल्क पॉट मिल रहे हैं, जो कि बेहद रीजनेबल है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट में ये 650 रुपीज़ में मिल पाएंगे, उसके हिसाब से मुझे ये डील बहुत अच्छी लगी और इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। फ्रेंड्स, मेरा वही होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ ऑनलाइन पसंद आ रही है तो मैं उसको परचेज करके ज़रूर देखती हूँ, अच्छी निकलती है तो मैं उसकी रिव्यूज आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर नहीं निकलती तो उसकी रिव्यूज मैं आपके साथ शेयर नहीं करती। तो ये पॉट मुझे बहुत अच्छे लगे, कैपेसिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं कि आपका इसमें 2.5 किलो दूध, इसमें 2.25 किलो दूध, और इसके अंदर 1.5 किलो दूध, और इसके अंदर 1 किलो से ऊपर दूध, और इसके अंदर 800 ml दूध प्रॉपर आ जाएगा। इसका एक और यूज हो सकता है कि अगर आप कंजक कर रहे हो, अक्सर हम नवरात्रों में कंजकें करती हैं, कंजकों के टाइम जो हम प्रसाद बनाते हैं तो उसमें सब्जी बनाते हैं, आलू पूड़ी बनाते हैं और हलवा बनाते हैं, चने बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं। तो आप ऐसे लाइन लगा के ऐसे रख दीजिए, एक में आप हलवा रख दीजिए, एक में चने रख दीजिए, एक में पूड़ी रख दीजिए, एक में सब्जी रख दीजिए, और एक में और कुछ आप तो इसके अंदर प्रसाद वगैरह रख। अगर आप अपने घर में बर्थडे पार्टी भी कर रहे हो तब भी ये काम आएंगे। तो ये कितने अच्छे लग रहे हैं, एक के बाद 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 इस तरीके से, और आपका खाना भी बहुत अच्छा लगेगा। और स्टील क्वालिटी फ्रेंड्स बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टील क्वालिटी अच्छी नहीं है, बस ये मिल्क पॉट है, इट मीन्स के ये बॉइलिंग के लिए काम आने चाहिए। तो ये तो मैं यूज़ करके देखूंगी तभी बता पाऊंगी, और बाकी आप देख लें। 650 रुपीज़ में बहुत अच्छी डील है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आप डायरेक्ट वहां से इसे फॉलो कर लीजिएगा। इसका जो ब्रांड है वो ये एरिस्टो स्टील लिखा हुआ है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, मेरी तरफ से ये थम्स अप है, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। मैंने जब इनको देखा था ना तो मुझे बड़ी खुशी हुई, इस टाइप से इतने प्यारे पॉट। एक्चुअली जब मैंने अपनी घर गृहस्थी स्टार्ट की थी तब मैंने बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं खरीदे थे, तो अब मैं धीरे धीरे परचेज कर रही हूँ, तो ये मिल्क पॉट ना मुझे बहुत अच्छे लगे। और एक सेकंड चीज़ जो बहुत अच्छी है कि ये स्पेस बहुत कम लेते हैं, जैसे आपका ये बड़ा पॉट हो गया, इसके अंदर ये पॉट आ गया, इसके अंदर ये पॉट आ गया, इसके अंदर ये पॉट आ गया, और इसके अंदर ये पॉट आ गया। देखिए आपका कितना स्पेस लेंगे, सिर्फ एक पॉट के बराबर ही ये स्पेस लेंगे, और आराम से आपका देखिए कहीं भी रखोगे तो ऐसे रख गया। तो देखिए कि अगर आप कहीं रखोगे तो ये बस एक पॉट में आ गए, आपको ये इतनी लंबी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल मेरे पास जो बर्तन है ना वो ऐसे ही है कि उनका ना मिसमैच है, कोई किसी के अंदर नहीं आता, सबको अपनी अपनी स्पेस चाहिए, सबको अपनी अपनी जगह चाहिए। तो उनको अपनी अपनी जगह रखने के चक्कर में ना मेरी मॉड्यूलर किचन होने के बाद भी ना बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि हर एक बर्तन का खुद का साइज, अलग अलग जगह रखना, तो सोचिए कितना स्पेस लेते हैं। और अगर इस तरीके के बर्तन होते हैं ना कि एक के अंदर आते रहते हैं, तो ये सबसे अच्छे होते हैं, और आप आराम से इनको स्टोर कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब आपको ये यूज़ करने होंगे तो ये 5 आपके पॉट काम आएंगे, और जब स्टोर करने होंगे तो एक ही पॉट होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्यूट से पॉट पसंद आए हों और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, बेल बटन ज़रूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ और DIY हैक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।